हेलो स्टूडेंट स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे मैट्रिसेस का क्वेश्चन जे मेंस का। लेट ए बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मींस बेटा ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू टू एंड मैट्रिसेस गिवन है 2 1 3 3 by 2 ए 1 2 अल्फा बीटा। इफ द सम ऑफ डायगनल एलिमेंट्स ऑफ ए इज एस, सम ऑफ डायगनल एलिमेंट्स ऑफ ए एस पता है, देन बीटा इंटू एस बाय अल्फा स्क्वायर बेटा फाइंड आउट। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए है, मतलब अगर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए है बेटा, अज्यूम जो आप करोगे ए ए अज्यूम करोगे ए बी बेटा, जो इस तरफ नंबर आएगा सेम नंबर नीचे आ जाएगा सी। सो दैट बेटा इसका ट्रांसपोज करो, ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज ऑफ दिस टर्म सेम नंबर आ जाएगा। ट्रांसपोज चेक कर लो, ए ट्रांसपोज ए बी बी सी मींस दोनों सेम है, ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अज्यूम इस तरह करोगे मींस ए मैट्रिक्स हो गया ए बी बी सी, वैल्यू ऑफ दिस टर्म पुट करो 2 1 3 3 by 2, वैल्यूज पुट करो, वैल्यू ऑफ ए ए अज्यूम है ए बी बी सी इज इक्वल टू 1 2 अल्फा बीटा 1 2 अल्फा बीटा। नाउ मल्टीप्लीकेशन करो, 2a प्लस b नेक्स्ट नंबर 2b प्लस c नीचे नंबर 3a प्लस 3 by 2b नेक्स्ट नंबर 3b प्लस 3 by 2c इज इक्वल टू 1 2 अल्फा बीटा। नाउ फ्रॉम दीज टर्म्स वैल्यू ऑफ कंपेयरिंग करोगे, कंपेयरिंग सुनना, 2a प्लस b इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, 2a प्लस b इज इक्वल टू 1, 2b प्लस c इज इक्वल टू 2, 2b प्लस c इज इक्वल टू 2। फर्स्टली टर्म्स लिखो, फर्स्ट दो टर्म्स 2a प्लस b इज इक्वल टू 1, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट, सेकंड टर्म इज इक्वल टू सेकंड। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सेकंड कंडीशन डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 है, करो बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट, मल्टीप्लाई ए सी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू गिवन टर्म है 2, दिस नंबर इज इक्वल टू 2। बेटा थ्री कंडीशंस यूज करो एंड ए बी सी फाइंड आउट करो, थ्री कंडीशंस मींस दिस कंडीशन एंड दिस कंडीशन, बाय यूजिंग दीज थ्री कंडीशंस ए बी एंड सी फाइंड आउट करो। बेटा अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन वैल्यू ऑफ ए आ जाएगी, फ्रॉम दिस कंडीशन से जो वैल्यू ऑफ ए आ जाएगी ए इज इक्वल टू 1 माइनस b अपॉन 2 एंड फ्रॉम दिस कंडीशन सी इज इक्वल टू 2 माइनस 2b। बेटा दोनों वैल्यूज इस जगह पुट करो, ए सी 1 माइनस b अपॉन 2 इंटू 2 माइनस 2b माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। बेटा 2 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस b इंटू 1 माइनस b माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। सॉल्व करोगे 1 प्लस b स्क्वायर माइनस 2b माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 2, कैंसल। बेटा शिफ्टिंग करोगे 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 2b, बी वैल्यू इज इक्वल टू -1/2, बी आ जाएगा -1/2, बी -1/2 आ गया, वैल्यू ऑफ बी पुट करो बेटा ए आ जाएगा, बी पुट करो इन दिस टर्म, पुट इन ए इज इक्वल टू 1 माइनस b/2। बेटा पुट करोगे बी होल डिवाइडेड बाय 2, 1 माइनस ऑफ माइनस टर्म मतलब 1 प्लस 1/2 by 2, दिस नंबर इज 3/4, ए इज इक्वल टू 3/4 हो जाएगा, वैल्यू ऑफ ए 3/4। नाउ ए आ गया बी आ गया सी, बेटा इस जगह पुट करो, पुट इन दिस इक्वेशन फॉर सी, पुट इन सी इज इक्वल टू 2 माइनस 2b, सी इज इक्वल टू 2 माइनस 2 इंटू -1/2, कैंसल करोगे सी आ जाएगा 3, सी इज इक्वल टू 3। बेटा वैल्यू ऑफ सी आ गया आपके पास 3, सी 3a 3/4b -1/2, तीनों नंबर्स आ गए। नाउ बेटा अल्फा बीटा फाइंड आउट करोगे बाय यूजिंग दीज टू कंडीशंस, दिस टर्म इज इक्वल टू दिस एंड सेकंड टर्म इज इक्वल टू सेकंड टर्म, अल्फा बीटा भी आ जाएगा। कंपेयरिंग करो, अल्फा इज इक्वल टू, कंपेयरिंग करो, अल्फा इज इक्वल टू 3a प्लस 3b/2, वैल्यूज पुट करो, अल्फा इज इक्वल टू 3 इंटू 3/4, वैल्यू ऑफ बी 3 इंटू -1/2/2, बेटा नंबर आ जाएगा 9/4 -3/4, 6/4, 6/4 मीन्स 3/2, वैल्यू ऑफ अल्फा हो जाएगी 3 अपॉन 2,
वैल्यू ऑफ अल्फा 3/2, सिमिलरली वैल्यू ऑफ बीटा बाय यूजिंग दीज टू कंडीशंस, बीटा इज इक्वल टू 3b प्लस 3c बाय 2, 3b बी 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 माइनस 1 बाय 2, 3 इंटू माइनस 1 बाय 2 प्लस 3c, सी वैल्यू 3 बाय 2, बेटा दिस नंबर इज माइनस 3, 9 माइनस 3 6, 6 बाय 2, 6 बाय 2 मीन्स 3, वैल्यू ऑफ बीटा आ जाएगी 3, अल्फा आ गया बीटा आ गया. नाउ वन टर्म और रिक्वायर्ड है एस, एस मीन्स सम ऑफ डायगनल एलिमेंट्स, सम ऑफ डायगनल एलिमेंट्स मीन्स ए प्लस सी, एस है बेटा एस इज इक्वल टू ए प्लस सी, वैल्यू ऑफ ए, ए है 3/4, सी 3, बेटा दिस नंबर इज इक्वल टू 12 प्लस 3 15/4, सी हो गया 15, एस हो गया बेटा 15/4. नाउ सारी वैल्यूज बेटा इस जगह पुट करो, बीटा एस अपॉन अल्फा स्केयर, बीटा एस अपॉन अल्फा स्केयर वैल्यू पुट करोगे, बीटा एस अपॉन अल्फा स्केयर, बीटा वैल्यू ऑफ बीटा 3, वैल्यू ऑफ एस 15/4 अपॉन अल्फा 3/2. सिंप्लीफिकेशन करोगे दिस नंबर इज इक्वल टू अल्फा स्केयर, सॉरी डिनोमिनेटर आ जाएगा अल्फा स्केयर, बेटा दिस नंबर इज इक्वल टू 3 इंटू 15/4, बेटा नीचे वाला 4 ऊपर चला जाएगा, नीचे 9 हो जाएगा, 4 कैंसल, 3 द 9 बेटा 5 3 द 15, 5 फाइनल आंसर हो जाएगा, 5 फाइनल आंसर है. क्लियर है स्टूडेंट्स? थैंक यू स्टूडेंट.